आइए, डेप्रिसिएशन, इसका सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। डेप्रिसिएशन का मीनिंग है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड। फाउंडेशन पूरा दे दो और सेकेंड सेम पूरा दे दो। राइट, डेप्रिसिएशन मीन्स एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज्ड 4 रुपीज 1 लाख, लाइफ 5 ईयर्स। राइट, सो ईयर वन हाउ मच इज एक्सपेंस? 1 लाख का फर्नीचर खरीदा है, 5 साल उसका जिंदगी है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, 20,000, बिकॉज 1 ईयर बेनिफिट हैज बीन डिराइव्ड। हाउ मच इज एसेट? एसेट का मतलब होता है बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड, कितना होगा बोलो? हाँ, 1 साल में 20,000 का बेनिफिट डिराइव कर लिया, येट टू बी डिराइव्ड इज 80,000। सेम अगेन, ईयर टू में हाउ मच बेनिफिट यू हैव डिराइव्ड? अगेन 20,000। बेनिफिट डिराइव्ड इज एक्सपेंस, एंड हाउ मच विल बी एसेट ऑफ ईयर टू, एंड सो ऑन। सो द अमाउंट ऑफ बेनिफिट विच यू डिराइव फ्रॉम द एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। सिंपल लॉजिक, जो बेनिफिट हम एसेट से डिराइव करते हैं उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। इज दैट क्लियर? ईयर थ्री में भी एक्सपेंस होगा 20, एसेट का वैल्यू होगा 40, देन ईयर फोर में 20, एसेट का वैल्यू 20, ईयर फाइव में 20, एसेट का वैल्यू 0, वैनिश, खत्म। तो 5 साल के बाद में हमको नया एसेट फिर से खरीदना पड़ेगा ना? यस और नो? 5 साल में ये पर्टिकुलर एसेट का बेनिफिट डिराइव हो चुका है। अब 5 साल बाद जो वापस से एसेट खरीदना पड़ेगा तो उसका पैसा कहां से आएगा? देखो कहां से आएगा, एक लाख का एक एसेट खरीदा, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, बेनिफिट डिराइव 20। तो ये जो बेनिफिट डिराइव्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यू आर शोइंग एक्सपेंस टू डेप्रिसिएशन 20,000। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट है, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग नेट प्रॉफिट। राइट, हाँ, विद दी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग बट कैश इज नॉट। मतलब तुम नेट प्रॉफिट कम दिखा रहा है 20,000 से, कैश कम नहीं हो रहा है।
आज यहां पे सैलरी होगा पीएल में, तो सैलरी आप कैश में पेमेंट भी किए, पीएल में भी आ रहा है, कैश एंड प्रॉफिट दोनों साइमल्टेनियसली कम हो रहा है। लेकिन डेप्रिसिएशन आप तो शुरू में ही लगा चुके 1,00,000 रुपया, कहां से आया ये पैसा? लोन लिए थे फ्रॉम बैंक, तो विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग बट कैश इज नॉट, मतलब अंदर ही अंदर सेविंग्स चालू है, 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 एंड एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर टोटल सेविंग्स इक्वल्स टू 1,00,000, परचेज न्यू एसेट, राइट? सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज टू क्रिएट funds for replacement of asset. The objective of providing depreciation is to create funds for replacement of asset. डेप्रिसिएशन देना मतलब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट सेव होता जा रहा है। वी कैन से दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। राइट? इज इट फाइन? हटा दें नाउ। हाउ टू कैलकुलेट दिस डेप्रिसिएशन फिगर? व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फिगर? How to calculate depreciation amount / factors? Basically, one is cost of the asset. This cost is the purchase price plus expenses related to purchase of / installation of asset till it is put to use. Use करने के पहले जो भी खर्चा होगा it will be added to cost of the asset, right? Useful life. Number of years
एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज, नंबर ऑफ ईयर्स द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज, राइट? आज एक एसेट खरीदे, इसका यूज कितना साल होगा? कोई दावे के साथ तो बोल नहीं सकता, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, राइट? सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू that the asset will fetch at the end of its useful life. आज से 5 साल बाद जब ये एसेट को अपने पूरा यूज कर लेंगे तो कबाड़ वाला में बेचेंगे तो कबाड़ी कितना रुपया देगा? दैट इज स्क्रैप वैल्यू. ठीक है, हाँ, इज इट फाइन? हटा दें. तो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच नीड्स टू बी सीन व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. मैं आपको एक सिंपल मेथड सिखाता हूं. -1 लाख, सो दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ द एसेट. This asset is expected to be used for 5 years. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. 5 साल बाद जब इसको कबाड़ वाला को बेचेंगे, स्क्रैप वैल्यू 10,000. मतलब आज से 5 साल बाद घड़ा में 10,000 आएगा स्क्रैप का. तो ड्यूरिंग 5 ईयर्स हाउ मच आई नीड टू सेव? 90. तो उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट अ डेप्रिसिएशन वैल्यू, मतलब सेविंग्स वैल्यू, सो दैट आई विल बी एबल टू परचेज द न्यू एसेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर, अज्यूमिंग नो इन्फ्लेशन. इफ देर इज इन्फ्लेशन देन देर इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. इन दैट केस 1 लाख नहीं, अपने को 1,10,000 पकड़ना पड़ेगा ईयर एंड वैल्यू. एक लाख में खरीदा, मानेंगे आज से 5 साल बाद ये एसेट वापस से खरीदने जाएंगे तो 1,00,000 रुपया लगेगा. तो ये जो पुराना एसेट है, ओल्ड एसेट, इसको 5 साल बाद अपने बेचेंगे स्क्रैप में. यस और नो? ओल्ड हो जाएगा ना 5 साल बाद, तो ये इसको स्क्रैप में बेचेंगे तो 10,000 मिलेगा. तो सबसे पहले कैलकुलेट डेप्रिशिएबल वैल्यू, मतलब टोटल कितना सेविंग्स जनरेट करना है. कॉस्ट माइनस दैट इज 1,00,000 एसेट का दाम है, 5 साल बाद स्क्रैप तुम. अच्छा,
इसमें कॉस्ट एक्चुअल है कि एस्टिमेटेड है? और स्क्रैप वैल्यू, वेरी गुड, इट्स एन एस्टिमेट, ईएसटी. इट मींस हमको टोटल 5 इयर्स में 90,000 सेव करना है. राइट. सो एनुअल सेविंग्स oblique depreciation equals to depreciable value by life equals to 90,000 by 5, 18,000. So depreciation 18 प्लस 90, टोटल सेविंग्स हो जाएगा ना 1,00,000. क्या जी? इज इट फाइन? हाँ, ये सिंपल तरीका है. अभी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, नाउ इफ यू रीड बुक्स देन बुक्स में लिखा है कि बेनिफिट ऑफ द एसेट विल बी कॉन्स्टेंटली डिराइव्ड ओवर द ईयर्स. दुनिया में ऐसा कोई एसेट नहीं है जिसका बेनिफिट विल बी डिराइव कॉन्स्टेंट ओवर द ईयर्स. एज यू नो, एज यू यूज द एसेट, द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम सच एसेट डिक्रीजेज ईयर आफ्टर ईयर. ऐसा तो नहीं है ना कि 5 साल तक ठीक चला, सडनली बंद हो गया क्योंकि लाइफ 5 साल था. ऐसा नहीं होता है. पहला बात तो 5 साल मेरा अनुमान है, 7 साल 8 साल चलेगा तो क्या फेंक देंगे क्या? फर्दर एसेट का जो बेनिफिट डिराइव्ड है वो करेंट ईयर में लेस होता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. मतलब एसेट का परफॉर्मेंस और उसका यूटिलिटी डे बाय डे डिक्रीज करता है, एक बार में डिक्रीज नहीं करता. इसका मतलब इनिशियल ईयर में एसेट से जो फायदा होगा, लेटर ईयर में बेनिफिट डिराइव्ड इज लेस. तो अपने को डेप्रिसिएशन मेथड भी उसी हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए. राइट. क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी एसेट नहीं है जिसका बेनिफिट टू बी डिराइव विल बी कॉन्स्टेंट ओवर द इयर्स, एक्सेप्ट बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह. नाउ बिल्डिंग दूसरा तरीका से अगर देखा जाए, इफ आई टॉक अबाउट इन डिफरेंट मैनर, एसेट से रिलेटेड ऐसा कौन सा खर्चा है जो अपने को हर साल देना पड़ेगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वेरी गुड. ऐसा कौन सा एसेट है जिसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर? फर्नीचर, बिल्डिंग, बहुत कम. तो 10 साल 12 साल बाद तुम रिपेयर कराओगे ना. थिंक अबाउट प्लांट एंड मशीनरी,
हर साल में 3 से 4 बार रिपेयर करवाना पड़ता है, एक्चुअली सर्विसिंग तो कराना ही पड़ेगा। तो मुद्दा क्या है, हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि बुक में लिखा है एसेट जिसका बेनिफिट टू बी डिराइव्ड इज कॉन्स्टेंट, उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे, और जिसका डे बाय डे ग्रेजुअली जिसका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है उसमें अपने डिमिनिशिंग मेथड फॉलो करेंगे। बट मैं आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ाना चाहता हूं। एसेट से रिलेटेड एक खर्चा होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बहुत सारे एसेट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल, इन दैट केस हम लोग SLM फॉलो करेंगे। सर ना के बराबर नेग्लिजिबल बोलना ठीक नहीं होगा, कहने का मतलब है घर में आपके एक्वागार्ड है, हर साल आपने उसका AMC दे रखा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कि भैया तुम सालाना आओगे, साल में 2 बार करके इसका पार्ट वगैरह सब रिपेयर करोगे, हम तुमको सालाना 6,000 रुपया देंगे। मतलब हमने रिपेयर का ठेका किसी को दे दिया है। अगर आप रिपेयर का ठेका किसी को दे देते हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा पता है, अगर आप किसी को रिपेयर का ठेका दे देते हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट फिक्स हो जाएगा, क्योंकि भैया एसेट कैसा भी हो, खराब हुआ हो नहीं हुआ, हर साल हमको 4,000-5,000 रुपये देना ही देना है। तो इन दैट केस मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो फिक्स हो जाएगा, इसीलिए अपने SLM मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि SLM मेथड में भी हर साल डेप्रिसिएशन कॉन्स्टेंट होता है। तो मैं आपको डिफरेंट तरीके से लिखा रहा हूं, मैं जो आपको लिखा रहा हूं आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। इफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट is given to AMCs, then in such a situation repair and maintenance cost will be fixed oblique constant over the years, therefore we shall follow SLM method of charging depreciation, right? तो हमने आपको सिखा दिया है स्टेप वन डेप्रिशिएबल वैल्यू कॉस्ट माइनस स्क्रैप annual depreciation will be annual depreciation divided by cost of the asset into 100.
वो अलग कर दे। ठीक है, इज इट फाइन? आइए एग्जाम्पल। ठीक, उसके साथ इसको लिंक किया, इसके साथ उसको नहीं किया। On 1/1/15, purchased one asset for ₹60,000 on 1/9/15. Purchased another asset for ₹40,000 on 31/05/2016 sold sold one third of the original asset for ₹15,000 depreciation 10% per annum SLM prepare asset account for फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर वन वर्किंग नोट। हर डेप्रिसिएशन सम में आप लोगों को ये चीज करना है, ध्यान दीजिएगा। टेल मी हाउ मेनी एसेट्स? नहीं, तीन। एक एसेट ये है, इसका आगे जाके 1/3 बिक रहा है, तो इसको स्टार्टिंग से अलग कर लेंगे। If any asset is getting sold at a later date in future for the purpose of preparing working note, we will bifurcate it from the beginning of the purchase.
एंड एक बाद में खरीदा, राइट? सो बेसिकली इट इज लाइक दिस, डेट पर्टिकुलर्स M1, M2, M3. One third of the original, two third of the original. Is it fine? All okay? So 1/1/15 को परचेस किया 20,000, 60,000 एक ही एसेट खरीदा है, लेकिन आगे जाके इसका वन थर्ड बिक रहा है बोल के अपने बाइफरकेट करके दिखाएंगे. नेक्स्ट ईयर ओरिजिनल एसेट का वन थर्ड बिक रहा है तो वी हैव टू बाइफरकेट एंड शो करेंट ईयर में अगेन वी आर परचेजिंग. फर्स्ट सितंबर में इस साल तो और कुछ नहीं है, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन 10% पर एनम SLM, तो जो कॉस्ट है उस पर कैलकुलेट होगा पूरे साल का, पूरे साल का. लेकिन पहला वाला लास्ट वाला केस में होगा 4 महीने का, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीना? 4 महीने का होगा. कितना महीने का होगा? कितना? 1333. कैसे? 40,000 का 10% होता है 4,000 इंटू 4/12. सो 1/1/16 का बैलेंस आ गया 18, 36, 38, 667. इज इट फाइन? किसी को कोई प्रॉब्लम? राइट. अब ध्यान दीजिए, 31 मई 2016 को वन थर्ड वाला एसेट वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल को बेच रहे, तो पहले उस पर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 5 मंथ्स कितना आएगा? हाँ, 2000 पे कैलकुलेट होगा, SLM मेथड है ना, बुक वैल्यू पे नहीं होगा. 20,000 का 10% होता है 2,000. सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, 20,000 का 10% इंटू 5/12 मई तक का आएगा, 5 महीना कितना? 1,767. लेस सेल प्रोसीड्स 15,000.
सेल प्रोसीड्स 15,000 तो लॉस ऑन सेल कितना आया टू वन सिक्स सेवन क्लोज हो गया ये अब 31 दिसंबर 2016 को अगेन डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम एसएलएम इसमें तो नहीं आएगा 40,000 का 10% होगा इसमें भी 40,000 का 10% होगा ठीक है सो दिस इज हाउ वर्किंग नोट प्रिपेरेशन पहला साल का डेप्रिसिएशन दे दिया सेकंड डेट वाइज एक तारीख को खरीदा फिर सितंबर में खरीदा फिर दिसंबर में डेप्रिसिएशन फिर मई में जो बेचना था बेच दिया फिर वापस से दिसंबर में डेप्रिसिएशन तो डेट वाइज आ गया ना नाउ वी विल प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट हटा दें इसको अकाउंट बनाते वक्त कोई झोल झाल नहीं 1115 टू बैंक पूरा 60,000 एक साथ फिर सितंबर में खरीदा चालीस क्लास है क्या तेरा हाँ यहां पर आएगा इनफ्लो ऑफ एसेट यहां पर आएगा आउटफ्लो ऑफ एसेट इनफ्लो ऑफ एसेट मतलब परचेज आउटफ्लो मतलब सेल
डेप्रिसिएशन ठीक है इनफ्लो ऑफ एसेट आउटफ्लो ऑफ एसेट इनफ्लो ऑफ एसेट में परचेज है आउटफ्लो ऑफ एसेट में सेल ऑब्लिक डेप्रिसिएशन है राइट इनफ्लो निकालना है तो इनफ्लो एसेट मतलब परचेज किया आउटफ्लो मतलब या तो बेच दिया या यूज कर लिया थर्टी फर्स्ट दिसंबर 15 को बाय डेप्रिसिएशन जोड़ के बताना 7333 तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 92667 ठीक है सो 1116 को टू बैलेंस बीडी कितना आएगा 92667 ठीक है इस साल कोई इनफ्लो नहीं है सीधा 31 मई 16 को बाई बैंक बेचा कितना में 15,000 ओ हाँ 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 पहले तो सेल का डेप्रिसिएशन आएगा ना 5 महीने का जो एसेट बेचा उसको 5 महीना यूज किया 833 उसका डेप्रिसिएशन आएगा आउटफ्लो फिर आप एसेट बेच दिया तो बाई बैंक सेल आउटफ्लो बाई लॉस ऑन सेल 2167 ये पूरा आउटफ्लो दिखा दिया गया है थर्टी फर्स्ट दिसंबर को डेप्रिसिएशन कितना है 8,000 ठीक है सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन हाँ हाँ हाँ
ठीक है, डन। नाउ सेकेंड मेथड, डिमिनिशिंग DBM, diminishing balance method, now repairs and maintenance contract is not given to AMCs. As the asset grows older, repair expenses increases year after year. Repair and maintenance contract is not given to AMCs. As the asset grows older, repair expenses increases year after year. तो यहाँ पे repair का expense बढ़ते जा रहा है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग डिमिनिशिंग प्रोवाइड करेंगे, राइट? डेप्रिसिएशन मेथड अपने डिमिनिशिंग हिसाब से प्रोवाइड करेंगे, सो देयरफॉर depreciation is provided therefore depreciation is provided on a diminishing basis so as to charge a uniform amount in profit and loss account. ईयर वन में क्या होगा,
depreciation is high. Suppose depreciation is 7,000. Repair is 1,000. Year 2 mein kya? Depreciation 6, repair 2. Year 3 mein kya hoga? Ye 5, ye 3. To practically dekha jaye to repair plus depreciation mila ke uniform amount is getting charged. और वहां पे क्या था हर साल डेप्रिसिएशन 5 5 5 5 5 रिपेयर भी 3 3 3 3 बिकॉज़ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे दिया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खाली डेप्रिसिएशन अमाउंट देखेगा तो हर साल डिक्रीज हो रहा है खाली रिपेयर देखेगा तो जैसे-जैसे एसेट पुराना होता जा रहा बढ़ रहा है दोनों को मिला के देखेगा तो बराबर सा लगेगा इसका मतलब अगर हम SLM फॉलो करें चाहे DBM फॉलो करें आंसर विल रिमेन द सेम If I combine it with repair, depreciation हो सकता differ कर रहा है value. SLM में हर साल same आ रहा है, DBM में year after year decrease कर रहा है. But depreciation plus repair, all methods will be same. ठीक है तो अभी जो सम किया उसका वर्किंग नोट हम लोग डिमिनिशिंग के हिसाब से बना लेते हैं एक बार राइट देख लो अगर देखना है तो स्टार्ट करिए आप लोग फर्स्ट सितंबर में अगेन परचेजेस का सेम होगा
पहला साल तो फर्क भी नहीं पड़ता ना। पांच महीने का डेप्रिसिएशन 18,000 पे बैलेंस पे आएगा, जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पे कैलकुलेट होगा। 5 महीने का 750, 17,250 माइनस सेल प्रोसीड कितना है? 2,250 3,600 3,2,400 3,4,8,00। दिस इज हाउ इट इज डन। जो बैलेंस आएगा ऑन दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सी द बैलेंस, जो बैलेंस आ रहा है ना, इस बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। कैन यू सी दैट? हाँ, देखिए अच्छे से इसको।